दोस्तों यहाँ पे स्टार्सिन काफी लोगों के सिविल स्कोर में इंक्वायरियां कर ले रही है विदाउट कोई लोन अप्लाई किए। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं, काफी लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हैं और एक लोग के साथ नहीं काफी लोगों के संग ये दिक्कतें आ रही हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल लाइक करके सपोर्ट कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब की बेल आइकन को ऑन कर देना। सो यहाँ पे स्टार्सिन कंपनी से अगर आपने कभी लोन लिया है या नहीं लिया है, या आपने कभी उनके ऐप को डाउनलोड किया है, या आपने कभी अपना रजिस्टर नंबर जो आपके पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है, कभी आपने ओनली ओटीपी सबमिट किया है, तो इनका जो लैंडिंग पार्टनर है आपके सिविल में ऑटोमेटिक इंक्वायरियां हो जा रही है। और ये इंक्वायरियां एक लोग के साथ नहीं काफी लोग के साथ हुआ। मैंने वीडियो बनाया था तो काफी लोगों के कमेंट आए कि ये जो है स्टार्सिन का लैंडिंग पार्टनर जो काफी लोगों के सिविल में इंक्वायरियां कर ले रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं और ये इंक्वायरियां आने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपको हो रही है ये भी आपको हम बताएंगे। सो यहाँ पे जो ये इंक्वायरियां आ रही है, इस इंक्वायरी को आप रिमूव करवा सकते हैं। इसको रिमूव करवाने का बहुत आसान तरीका है। इसके लिए आपको आरबीआई को कंप्लेंट करना है। अब काफी लोग ईमेल या कंप्लेंट करते हैं, सुनवाई नहीं होता है। पहले तो स्टार्सिन को आपको जो है ईमेल करना है, उनको बताना है कि मैंने आपसे कोई लोन अप्लाई नहीं किया, ये इंक्वायरियां आपके तरफ से आई है। अगर कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, अगर वो व्यवस्थित करते हैं, तो आप आरबीआई को प्रूफ कीजिए कि मैंने कोई इंक्वायरी नहीं की और इनके तरफ से आया है। इस पे आरबीआई काम करेगा और जरूर आपका समाधान होगा। बट यहाँ पे काफी लोगों ने ईमेल किया, इस पे कोई आरबीआई हेल्प नहीं किया। तो मैंने यहाँ पे अगर आप अपने सिविल स्कोर को लेकर ज्यादा सीरियस हो तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है कंज्यूमर कोर्ट, कि आपसे चीटिंग किया जा रहा है। आप इसके लिए वहां पे जाके आप इन लोग के नाम पे जो है कंप्लेन नोटिस जारी करवा सकते हो और ये चीजें आपका सही होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे इतना चीटिंग फ्रॉड हो रहा है, आज के टाइम की बात करूं कि अगर आपने दो तीन साल चार साल पहले किसी कंपनी या ऐप से लोन ले लिया है, अब उनका जो लैंडिंग पार्टनर अगर एनबीएफसी रजिस्टर हो गया है या लिस्टेड हो गया है, तो ये लोग ऑटोमेटिक खुद से इंक्वायरियां कर ले रहे हैं, कस्टमर जो है कर ही नहीं रहा है। इससे क्या होता है कि जो इंक्वायरियां आने से आपकी रैंकिंग पे प्रभाव पड़ रहा है, आपकी सिविल इंक्रीज नहीं हो रही, आपको दिक्कत हो रहा है। तो ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो आप बताना क्या ये सच में इंक्वायरियां कर रहे हैं या झूठ बातें हैं, क्योंकि काफी लोग के संग ये दिक्कतें हुई है। तो मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे रहा हूं, ऐसे हवा में तीर नहीं चला रहा हूं। तो आप लोग मेरा कमेंट में करके बताओ क्या ये सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।